हुआ था सर, उसके बावजूद भी सर आप यहाँ पे आए हुए हैं सर, लोगों से मिल भी रहे हैं सर, यहाँ विरोध कुछ दिन पहले हुआ था, लोगों से भी मुलाकात हो रही है सर, योजनाओं के बारे में जान रहे सर। हाँ तो हम तो मिल ही रहे थे, क्या दिक्कत है, कौन सी दिक्कत, हमको तो सब मिल करके मिल ही रहे हैं सब, खुशी देख रहे हैं सर, और जो भी बेचारे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो भी बता रहे हैं, सबका देख ही रहे हैं, सारे अधिकारी मौजूद हैं, साथ साथ बता देते हैं कि इनको देखिए, और कई मामलों में भी कह देते हैं कि डीएम को भी टाइम दीजिए और इनको बुला लीजिए, देख लीजिए एक एक चीज़ को देखने का। सर 24 को लेकर तेलंगाना में बैठक हो रही है, विपक्ष दल क्या कहेंगे? बैठक विपक्ष का हो रहा है तो क्या कहेंगे? सर सर मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा है कि जब जब चुनाव आता है भाजपा जो है सेना से हमला करवाता है, सेना पे हमला करवाती है, सेना। अरे कौन क्या बोलता है सर, आप जान रहे हैं हम तो चारों तरफ घूम रहे हैं, लौट करके जाते हैं तो एक एक चीज को देखते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, इसलिए बाकी कौन क्या बोल रहा है देख ही नहीं रहे। जो और साथ में लोग भी हैं, जो यहाँ पर काफी संख्या में लोग हैं, आपने हाथ जोड़ के जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री काफी खुश है, मुख्यमंत्री जो है कर रहे हैं। साथ ही साथ हेनवा जो ये गांव है वहां पर जो है किस तरह से काम किया गया, वो तमाम चीज़ें जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखेगा। देखिए तस्वीरों में हम ये आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ अधिकारियों की बातों को जो है वो सिर्फ नहीं सुन रहे हैं, वो जानकारियां जो है सरकार की आने वाले योजनाओं में शामिल हो सके, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक एक कर जो लोग उनका ज्ञापन देना चाह रहे हैं जो है मुख्यमंत्री तक जो है उनका ज्ञापन पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लोग और साथ में लोग भी हैं, जो यहाँ पर काफी संख्या में लोग हैं, आपने सरोज जी को दिखाएंगे कैसे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।